या हम फाइल बना लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किट कलेक्शन मैप एंड सेट ऑब्जेक्ट्स कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर आइटरेबल इन द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। मैप और सेट, ये किट कलेक्शन में हम चल रहे हैं। ठीक, दोनों की खासियत ये होती है कि इन पर आप आइट्रेशन लगा सकते हैं और ये अपने इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ये सबसे खास बात ये है कि अपने इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, मतलब जो चीज आपने जब इंसर्ट करी है वो वहीं पे रहेगी, बाद वाली बाद में आएगी। बट की है तो फायदा समझ में आ रहा होगा कि एड्रेस फेच करना होगा तो सीधे एड्रेस मिलेगा। मैप्स ICMA स्क्रिप्ट 2015 में आए, ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर इंटरव्यू में ये सवाल करते हैं कि कब ये चीज इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक, तो इंट्रोड्यूसेस अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर टू मैप वैल्यूज टू वैल्यूज। वैल्यूज टू वैल्यूज क्यों लिखा है इसने, क्योंकि हम अभी देख करके आए हैं कि नेम पर आप कोई चीज मैप कर रहे हैं तो वो क्या है, वो 0, 1, 2, 3, 4 नहीं है। ठीक, और उसके अलावा अभी आगे चल करके हम देखेंगे ये कितना एडवांस है कि आप वहां पे वेरिएबल भी पास कर सकते हैं जिसकी वैल्यू की बन जाए, तो उस लेवल तक मैप फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमें कि एक वेरिएबल में कुछ वैल्यू पड़ी हुई थी और आप चाहते थे कि वो की बने तो आप उसको भी की बना सकते हैं। अ मैप ऑब्जेक्ट इज सिंपल की वैल्यू मैप एंड कैन आइटरेट इट्स एलिमेंट इन इंसर्शन ऑर्डर। ये भी बात समझ में आ गई कि इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करके चलता है। अब बात आई कि मैप ऑब्जेक्ट बनाना कैसे है। ठीक, तो हम लिस्ट बना करके आए थे, हमने देखा था कि हम लिस्ट लिखते थे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर पास करते थे तो लिस्ट बन जाती थी। हम मैप का कंस्ट्रक्टर पास करेंगे तो मैप बन के मिल जाएगा। ठीक, बस लिस्ट में हम क्या करते थे, सिर्फ अपेंड करते थे, ऐड करते थे नई चीजें, एरे में पुश कर देते थे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो चीजें कि हमको बताना पड़ेगा कि क्या ऐड करना है। ठीक, हम चलते हैं एक नया मैप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे और अपने हाथ से बना करके देखते हैं कि जो लिखा है वो सही है या गलत लिखा हुआ है। न्यू मैप बनाया। ठीक, इसमें सेट और गेट दोनों मेथड है हमारे पास, तो मैंने कहा न्यू मैप डॉट सेट, क्या मैंने कहा नेम, और नेम और वैल्यू पे दिया मैंने आरुष। ठीक, और मैं यहां पे कर रहा हूं कंसोल डॉट लॉग न्यू मैप, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, चला करके देखते हैं इसको कि किस तरीके से ये डेटा को रख रहा है अपने पास। ये बात हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको ये चीज पता चल जाएगी। एग्जीक्यूट किया, ये दिख रहा होगा कि मैप लिस्ट जो है वो बिग ब्रैकेट यूज कर रहा था, मैप ये कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहा है। मैप है और यहां पर प्रिंट कर लिया हमने। मैंने कहा ठीक है भाई, न्यू मैप डॉट सेट एड्रेस मैं वापस से देखना चाहता हूं प्रिंट करके कि अब क्या हुआ। मैंने प्रिंट कर दिया तो इस बार इसने ये दिया है मुझे, कुछ डिफरेंस दिख रहा है मुझे दोनों में। मैं एक बार और प्रिंट करूंगा न्यू मैप डॉट सेट मोबाइल और मैं वापस से इसको कंसोल लॉक करूंगा। इस बार इसने मुझे ये दिया है,
ठीक। तो अब मैं क्या गौर कर रहा हूं कि जब एक एलिमेंट था, एक की वैल्यू थी, यहाँ वन लिखा था, जब दो है तो यहाँ दो लिखा हुआ है, और जब तीन है तो यहाँ थ्री लिखा हुआ है। तो यानी कि मैप अपने साइज को भी मेंटेन करता है, यानी कि वो साइज है उसके पास, जैसे एरे के टाइम पे हमारे पास लेंथ थी। और दूसरी बात इसने हमसे कहा था कि पहले हमने नेम इंसर्ट किया है, फिर हमने एड्रेस इंसर्ट किया है, और फिर हमने जाकर के मोबाइल इंसर्ट किया है। तो क्या इसने अपना इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर रखा है लास्ट तक, या चेंज हो गया है? तो अभी तक जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से इसने मेंटेन करके रखा हुआ है, चेंज नहीं हुआ। ठीक, ऐसा नहीं मतलब वो डिक्शनरी वाइज नहीं कर दिया कि नेम था, एड्रेस आया तो एड्रेस को ऊपर कर दे, नेम को नीचे कर दे, ऐसा इसने कुछ नहीं किया। ठीक, तो यानी कि ये साइज भी मेंटेन करता है, तो हम साइज भी प्रिंट करके देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैप, न्यू मैप डॉट, सारे मेथड दिख जाएंगे, डिलीट कर सकते होंगे एंट्रीज, इस पे लूप फॉर ईच लूप भी सपोर्ट करेगी, गेट कर सकते हैं, हैज का मतलब है कि चेक कर सकते हैं कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही, कीज सारी कीज निकाल करके दे देगा आपको, सेट सेट में कन्वर्ट कर देगा, इसका मतलब साइज साइज निकाल देगा, वैल्यूज मैप, सारे मेथड है, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे साइज देखनी है इसकी, मैंने कहा आओ एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैप इज थ्री, सही निकाल रहा है साइज। अब मैं कोई एलिमेंट फेच करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, अब मेरी मर्जी से निकल के आएगा ना, क्योंकि अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ गेट करते वक्त कि चाहिए क्या, मैंने कहा नाम चाहिए। तो अब ये मुझे इंडेक्स नहीं याद रखनी है, ठीक, इस चीज को याद रखना और इंडेक्स याद रखने में फर्क है। नेम फ्रॉम मैप इज नेम, क्या दिक्कत हुई? कुछ चीजें डेप्रिकेट हो जाती हैं। The declaration was marked as deprecated here. Name is deprecated. हम चेंज कर देते हैं इसको ना, स्टूडेंट नेम कर देते हैं, बेहतर है कि deprecated चीज ना यूज करें। फायदा क्या होता है कि दिक्कत नहीं होती। दिक्कत क्या होगी कि जब आप अगली बार इस प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हो सकता है कि पहले deprecate किया जाता है, फिर सपोर्ट कुछ वक्त के बाद वापस ले लिया जाता है। तो अगर इसका सपोर्ट ले लिया गया तो उस वक्त क्या होगा कि आप जब इसको रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, इसलिए डेप्रिकेटेड चीज को अवॉइड करना चाहिए। नेम फ्रॉम मैप इज आरुष, यानी ये गेट सेट साइज ये सब चल रहा है और सही से काम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट एंड मैप कंपेयर्ड, देखते हैं क्या लिखा है। ट्रेडिशनली ऑब्जेक्ट्स हैव बीन यूज्ड टू मैप स्ट्रिंग्स टू वैल्यूज, ऑब्जेक्ट क्या मैप करता था, स्ट्रिंग से वैल्यूज को मैप करता था, ये बात समझिएगा, स्ट्रिंग से वैल्यूज को मैप करता था। स्ट्रिंग स्पेशली लिख दिया, इसका मतलब कि नंबर से, फ्लोट से, इन चीजों से मैप नहीं करता था। ऑब्जेक्ट्स अलाउ यू टू सेट कीज टू वैल्यूज, की से वैल्यू सेट करना अलाउ करता है, ठीक है। रिट्रीविंग दोज वैल्यूज, मतलब वो वैल्यूज रिट्रीव कर सकते हैं, हमने रिट्रीव करके देखा है, डिलीट कर सकते हैं, हम डिलीट करके देख लेंगे। डिटेक्ट वेदर समथिंग इज स्टोर्ड एट की, वो हैज वाला जो फंक्शन था चल के चला करके देखेंगे, डिटेक्ट कर सकते हैं। मैप ऑब्जेक्ट्स हाउएवर हैव अ फ्यू मोर एडवांटेजेस, मतलब ये सारी चीजें तो उसमें है ही है, ये सारी चीजें तो है ही है, और भी इनमें कुछ चीजें हैं। ठीक, क्या क्या है? द की ऑफ अ मैप ऑब्जेक्ट आर, सॉरी सॉरी सॉरी, द कीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर स्ट्रिंग्स और सिंबल्स, स्ट्रिंग या सिंबल्स हो सकते थे, वेयर दे कैन बी ऑफ एनी वैल्यू इन मैप। मैप के केस में ये एडवांस हुआ कि अब वहां पर आप प्रिमिटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग रखना जरूरी नहीं रह गया। यू कैन गेट साइज ऑफ अ मैप इजिली, मैप की साइज आपने देखा, डॉट साइज लिखा और वैल्यू मिल गई, क्योंकि तो हम देख रहे थे कि वो मेंटेन कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट ना ऐसा कुछ नहीं करता है। व्हाइल यू हैव टू मैन्युअली कीप ट्रैकिंग,
यानी अगर एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है और आपको उसकी साइज चाहिए तो आपको उस ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, या आपको मैनुअली ट्रिकी मतलब कि आपको एक मान लीजिए कि साइज नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे उस ऑब्जेक्ट में, और उसको जब भी कोई नई चीज ऐड होगी उसको हम बढ़ाते रहेंगे, तो ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट के पास अपना कोई साइज नाम का वेरिएबल नहीं होता है। द आइट्रेशन ऑफ मैप इज इन इंसर्शन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यानी कि मैप इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए इसकी कोई गारंटी ये नहीं ले रहा है। ठीक, काफी इससे ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है इसके बारे में, मतलब इनफ है। चलिए अभी ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे आगे जाकर के हम, वीक ऑब्जेक्ट क्या होता है या वीक मैप ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये वीक मैप ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अब एक पॉइंट अभी से बता रहा हूं जो हर जगह सही रहेगा। वीक मैप ऑब्जेक्ट हो गया, वीक मैप सेट हो गया, वीक ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के आगे, किसी का भी ऑब्जेक्ट हो, मैप का हो, सेट का हो, ऑब्जेक्ट का हो, किसी के भी आगे अगर आपको यहाँ वीक लगा हुआ दिख जाए तो आपको एक बात समझना है। बात क्या समझना है? वीक मैप ऑब्जेक्ट, बात यह समझना है कि जब हम मैप बना रहे हैं, ठीक, इसका नाम भी रीनेम कर देता हूं, तो जब हम मैप बना रहे थे तो हमने यहां पर क्या रखा, अभी स्ट्रिंग रखा था, और इसने क्या कहा कि आप और भी कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लाओ मैं रख करके देखता हूं। मैंने कहा न्यू मैप डॉट सेट, और मैंने कहा वन पे मैंने कहा यहाँ फर्स्ट लिख दो। मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने कहा ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग न्यू मैप, अच्छा वो फाइल का नाम हमने बदल दिया है। ठीक, देख रहे होंगे ये वन पे फर्स्ट आ गया और ये येलो कलर का एकदम शाइन कर रहा है, तो हम समझ गए कि ये यहां पर इंटीजर है। और क्या कर सकता हूं मैं, वैल्यू निकाल के देखता हूं। तो मैंने कहा न्यू मैप डॉट गेट, और यहां मैंने वन पास कर दिया। देखें तो कि वैल्यू मिलती भी है कि नहीं। वैल ऑफ वन इज इक्वल टू, और यहां नीचे मैं कंसोल लॉक कर रहा हूं। क्या मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूं, रन करके देखते हैं। वैल ऑफ वन इज फर्स्ट, यानी कि ये प्रिमिटिव वैल्यूज भी यहां पे काम करेंगी। और जैसे ही हम वीक मैप ऑब्जेक्ट पे चलेंगे, तो यहां मसला क्या है कि जब भी आप एक मैप ऐसा बनाएंगे, मैप ही बनाएंगे जिसकी सारी कीज, मान लीजिए एक मैं मैप बनाता हूं, मान लीजिए ऐसे ही बना लेता हूं एक मैप में, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, और मैं इसकी जो कीज होंगी ये भी क्या होंगी, ये भी ऑब्जेक्ट होंगी। और यही फॉर्मूला हर एक जगह पे लगेगा। तो जब जब भी, चाहे मैप ऑब्जेक्ट चाहे मैप सेट, जब भी उनकी जो भी कीज होंगी, जब सारी की सारी कीज ऑब्जेक्ट होंगी, मतलब अब हम यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पर एक वैल्यू रखा है हमने, एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं उस नए ऑब्जेक्ट पर एक नई वैल्यू रख दूं,
फिर एक नया ऑब्जेक्ट बना, उस नए ऑब्जेक्ट पे एक तीसरी वैल्यू रख दो, तो सारी की सारी कीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। उस केस में उस मैप को, उस ऑब्जेक्ट को, उस सेट को वीक मैप, वीक सेट या वीक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये वीक का मतलब यही है, इसको हम मतलब इन जनरल नहीं ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने कहा ये नेम वन में ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था और मैंने इस नेम वन को की बना दिया। वैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को की नहीं बनाएंगे, क्यों लिखेंगे, कोई पर्पज नहीं है। दे नेम वन को मैंने इसकी की बना दी। अब मैं इसको प्रिंट कर दू, अब मैं इसको प्रिंट कर दू, मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग, मान लेता हूं अभी मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं। अभी ये नॉर्मली वीक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक। इसको भी आगे ले चलेंगे, देख लेंगे और क्या होता है। मान लीजिए मैंने कहा m और मैंने ब्रैकेट में पास कर दिया नेम, डॉट डॉट ऑपरेटर नहीं काम करेगा यहाँ पे क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है। तो मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं तो क्या ये प्रिंट होगा? अनडिफाइंड आएगा, देखते कुछ मिस्टेक कर रहा हूं। ठीक, जब भी हमें वैल्यूज पास करना होता है की पे, वैल्यूज पास करना होता है, हम यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाते हैं किनारे वाला, क्योंकि अगर वो ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, मान लेते हो पहले वाला केस देखते इसने एरर दिया था, तो ये नेम वन पे एक वो समझेगा ना वैल्यू, तो नेम वन कुछ ऐसे रख पाएगा, नेम वन पे अदर पड़ा हुआ है। बट यहाँ हमें अब नेम वन नहीं पास करना है, मुझे यहाँ पे इस नेम वन को क्या बनाना है, ये ऑब्जेक्ट पास करना है, नेम वन की जो वैल्यू है वो पास करनी है। मैंने कहा ना वैल्यू टू वैल्यू मैप करेंगे, तो ये यहां पर भाई अगर एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू पास करेंगे। तो अब यहां पर इस नेम वन को मैं ये बिना इस सिंगल इनवर्टेड कॉमा के लिख सकता हूं ताकि इसकी वैल्यू पास हो जाएगी, ठीक, अजर आ रहा है। अब मैं एक बार क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ये ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करके देखूं कि आखिर है क्या इसमें। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और मैं इस m को ही प्रिंट करना चाह रहा हूं, देखता हूं क्या है इसके अंदर। तो दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ आ रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख करके, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल हम ये टर्मिनल में प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट ओपन हो करके नहीं प्रिंट होगा, ठीक। चलिए, तो ये हम वीक ऑब्जेक्ट वाली बात समझ गए कि कोई भी वीक क्यों होता है। तो अब परेशानी क्या होती है कि जब आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, अब क्या होता है कि देखिए इसका रेफरेंस है, नेम वन जो है वो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ये बात हमें समझ में आ रही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये नेम है, ये की है मेरे इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये की है। की है सबसे कीमती चीज है, की खोना नहीं चाहिए ना, की खो जाएगी तो ताला खोल नहीं पाएंगे, तो ये की है, ठीक। अब नेम वन में ये पड़ी हुई है, अच्छी बात है। बट अब आगे चल करके इस बीच में आगे जब हम यहाँ काम कर रहे हैं, इस बीच में अगर मैं नेम वन से छीन लूँ इस चीज को तो क्या होगा? यहां आया और मैंने कहा नेम वन इज इक्वल टू माई नेम, अब क्या होगा सर? अब वो जो ऑब्जेक्ट था वो क्या करेगा? तो मैंने कहा चलो चलाता हूं। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि ये नेम वन वेरिएबल मेरा खो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, खो गया है तो खो जाने दो, ठीक। आपने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो पता है ना कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। एक तो परेशानी दिख गई कि अगर ये खो गया वेरिएबल तब हम इस वैल्यू को फेच नहीं कर पाएंगे। बट आपने कहा कोई बात नहीं, मैं इस ऑब्जेक्ट को पहचानता हूँ और मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं कहूंगा नेम टू इज इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ नेम वन की जगह मैं यहाँ लिखूंगा नेम टू, निकाल लूंगा वैल्यू। बेहतरीन, दिमाग वाले थे आप, आपने ये दिमाग लगा लिया। बट जो जब ये प्रोग्राम मेरा सर्वर पर चल रहा होगा, रन कर रहा होगा, उस टाइम पे अचानक से क्या होगा कि ये नेम वन किसी वजह से इसका रेफरेंस खो देता है,
उस वक्त ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, ऐसे छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा नहीं कि हम कॉपी करके नया वैल्यू असाइन कर देंगे, ये कहीं हीप में पड़ा होगा ना, टहल रहा होगा। इसका नाम है, ये नेम वन इसको रेफर कर रहा था, नेम वन इसको रेफर कर रहा था, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ टहल रहा था, और ये ऑब्जेक्ट किसी एक चीज में आपने इसको की बना रखा था, की बना रखा था, यही वाला ऑब्जेक्ट था। बट जैसे ही इसका रेफरेंस खत्म हुआ, एल्गोरिथम चल रही होती है पीछे जो स्विप स्वाइप कर रही होगी, सारी चीजों को हटा रही होगी, जो जितने भी ऑब्जेक्ट बिना रेफरेंस के पड़े होते हैं वो सारे क्लीन कर दिए जाते हैं। जैसे ये बिना रेफरेंस के था, इससे पहले कि आप इसका, एक तो अगर रेफरेंस हट गया तो दोबारा इस ऑब्जेक्ट के लिए आप रेफरेंस नहीं बना सकते हैं, ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है ना, सारे ऑब्जेक्ट स्टैटिक नहीं होंगे, तो एक तो आप बना नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि जैसे ही ये रेफरेंस हटा, उसी टाइम पे झाड़ू लगी और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से बाहर चला गया। भाई देखा गया इसका कोई रेफरेंस ही नहीं मौजूद है, और बिना रेफरेंस के ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करके ले जाएगा, ठीक। तो वो कलेक्ट करके ले गया, अब ये बचा ही नहीं आपके पास, और जब ये बचा ही नहीं तो इसका रेफरेंस खत्म हो गया, और जब ये ऑब्जेक्ट खत्म हो गया तो सोचिए ना कि ये की खत्म हो गई आपकी, ये की खत्म हो गई आपकी। तो ये ऐसा केस कि बिना रेफरेंस का ऑब्जेक्ट अगर की बन जाएगा तो हमारे लिए परेशानी होगी। तो खैर इतनी देर से मैं समझा रहा हूं, तो जो ये उल्टी सीधी चीजें इसमें दिख रही हैं, इन्हीं मुसीबत की वजह से इन जनरल इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक। तो ये वीक मैप, वीक ऑब्जेक्ट या वीक सेट सबका यही किस्सा है। अब हम चलते हैं, एक वीक मैप बनाते हैं छोटा सा और देख लेते हैं, ठीक। यही नीचे एक वीक मैप बना लेते हैं, लेट वीक मैप इज इक्वल टू न्यू वीक मैप, मैप बनाया था एक, वीक मैप बना लेते हैं हम, इसमें भी ऐड कर लेते हैं वैल्यू। अब इसमें वैल्यू ऐड करने हैं तो हमने देखा ऊपर ऑब्जेक्ट बना करके रख लेते हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ कि ओबीजे वन, ओबीजे टू, ओबीजे थ्री, तीन ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तीनों की बना देंगे इसलिए। ओबीजे वन इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट हो गया, ओबीजे टू इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट हो गया, ओबीजे थ्री इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट हो गया, बना लिया ऑब्जेक्ट। अब इन ऑब्जेक्ट को इसकी की बना देंगे, वीक मैप डॉट सेट ओबीजे वन, ओबीजे वन पर क्या सेट कर दें, वेल वन, और ऐसे ही दो और सेट कर देते हैं, ओबीजे टू और ओबीजे थ्री, वेल थ्री और वेल टू, ये बन गया वीक मैप, ठीक। गेट करके वैल्यू देख लेते हैं या प्रिंट करके देख लेते हैं, तो एक बार कंसोल लॉक कर लेता हूं इसको, ठीक। अच्छा ये ऊपर वाला मैं कमेंट, सर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा होगा ये ऊपर वाला है और यहाँ ये वीक मैप है। ये आइटम्स अननोन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि परेशानी ये हो रही है कि ये इस तरीके से जो टर्मिनल पे हम प्रिंट कर रहे हैं वहां परेशानी आ रही है। देख लेते हैं एक बार कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चला करके देख लेते हैं, अगर इस पर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो जब भी ब्राउजर पर चलेगा या कोड में काम करेगा तो ये सही से चलेगा। इस तरीके से प्रिंट करा नहीं जाता ना इसको, इसको आदत नहीं है ऐसे प्रिंट होने की, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं प्रिंट हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहां निकाल करके वैल्यू देख लेते हैं इसकी, मान लो वैल्यू वन निकाल लेते हैं, तो लेट वी वन इज इक्वल टू वीक मैप डॉट गेट, पता चल जाएगा अभी की वैल्यू है कि नहीं है, ओबीजे वन, और इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर दिया, आ रही है यहाँ पे वैल वन, ठीक। यानी ये ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू को फेच कर सकता है क्योंकि हमने ऐसे ही रखा हुआ है इसको, ठीक। ऐसी वी टू वी थ्री कोई भी निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, अब आप समझ रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर किसी वजह से इसका रेफरेंस मिस हुआ तो ये गया हमारे हाथ से, ठीक। तो ये था वीक मैप हमारा, जिसको कि हम इसलिए पढ़ा है क्योंकि इंटरव्यू में वीक मैप और मैप में डिफरेंस पूछेगा, तो वो मालूम होना चाहिए आपको, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, सेट्स।